क्या कहने कमोबेश 6,666 आयात जो सारी जिंदगी के मसाइल वास्ते 550 आयात मौजूद है किताब अहकाम 550 आयात पर मुश्तमिल है हलाल और हराम जायज और नाजायज नमाज रोजा हज ज़कात जिहाद खैरात इबादत और मुआमलात 550 आयतें हैं 6,666 कमोबेश आयात जो कमोबेश 550 आयत सारी जिंदगी के मुतालिक किताब आई हिदायत वास्ते है बाकी कुरान में क्या लिखा हो बाकी क्या मसाइल है फरमाया बाकी वक्तुहा किसी दे मुखड़े दी कसम वल्लैल इज़ा सजा किसी दे ज़ुल्फ़ा दी कसम वन्नज्म इज़ा हवा किसी दे आवण वंदन दा ज़िक्र फरमाया वमा यंतिकु अनिल हवा किसी दे बोलन दा ज़िक्र फरमाया बाकी कुरान इच अलम नशरा लक सदरक किसी दे सीने दा ज़िक्र वा वदाना अनका विद्रक किसी दी उम्मत बख्शवावण दा ज़िक्र वला सौफ योतीक रब्बुका फतरदा किसी दी रज़ा दा ज़िक्र अज़ीज़ा ने गिरामी कद्र 550 आयत वाली तबलीग भी जरूरी है नमाज भी लाजिम रोजा भी जरूरी हज भी साहिब इस्तेदाद ते फर्ज ज़कात भी साहिब निसाब ते लाजिम तमाम चीजा बाकी जरूरी हैं मगर मोहब्बत ए मुस्तफा भाई बाकी जेने आयत हैं कुरान दिया उन्हां दी भी तबलीग होनी चाहिए ओ भी निसाया कर सारे कुरान अल्लाह ने सहे जेड़ा मोहम्मद मुस्तफा दा नहीं जेड़ा हजूर नाल नहीं जेको प्यार सरकार नाल नहीं जेदा सीना सोने दी मोहब्बत नाल रोशन नहीं ना उदी नमाज कबूल है ना उदा रोजा कबूल है ना उदा हज कबूल है ना उदी ज़कात कबूल है ना उदा जिहाद कबूल है ना उदी खैरात कबूल है ना उदा उठण बाहर कबूल है ना रात दा जागण कबूल है ना तहज्जुद पढ़ण कबूल है ना मत्था दा निशान कबूल है ना सर दी दस्तार कबूल है ना खीसे आला मिसवाक कबूल है उदी किसी शय कोई कबूल कबूलियत नहीं मिलती कबूलियत ता मिलती फरमा इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिउनी युहबिबकुम अल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम फरमाया सोना नसीहा इनको मन युतिर रसूल फकद अता अल्लाह व मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अनहु फंतहु फरमाया इनको नसो या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तुक़द्दिमू बैन यदिल्लाहि व रसूलिही واتقوا الله ان الله سميع عليم يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون بسارے نبی شان والے اللہ نے سارے دی عزت بڑھائی مگر کتے یہ نہیں فرمایا کہ اونچا بولا عمل خاص کنسا اتا یہ حبیب کبریا دی بارے فرمایا اپنے زبان و سوال کے رکھو میرا محمد بولے سی कोई न बोले सी और मुस्तफा बोले जेदी आवाज उची थी अमल खस किनसा मैं के अल्लाह आवाज उची थी वे अमल खस किनसे फरमाया मोहम्मद ने ऊंचा बोले हाय क्या बात है नारे तकबीर अल्लाह रसूल अल्लाह खिलाफत हक जाय नारे हैदरी नारे अहले सुन्नत जिंदाबाद छतरी बनने ना चाहते असल वर्दियत छतरी बन जाना असल वर्दियत देना ना चाहकर तो खुरुज मिनल मस्त या फला मिन फला मैं के सोना इन्ना छतरियां को क्यों कटे थे क्या कहने फरमाया हत्ता यमीज अल खबीस मिन अत्तयिब लियजर अल मोमिनीन अला मा अंतुम अलैहि हत्ता यमीज अल खबीस मिन अत्तयिब फरमाया खबीस कर छोड़ो तय्यब बैठ रहा नारे भाई अल्लाह जो ना को खबीस आके इतना रुस गया उन्होंने क्यों आके क्या कहने हुजूर सलामत रहो भाई अल्लाह जो ना को खबीस फरमाया थे खबीस ही आके कटवाया ही सी केड़ी गाल उन्होंने दी मालिक को पसंद कोई नहीं उठाओ तो तफसीर खुद कला में लाए तफसीर और रसूलुल्लाह दी अहदीस तारीख उठाओ कसूर केड़ा है उन्होंने
آدھے انت کے آدھے انسان کو عرش دے خبرہ اسا پچھو کھڑے ہونے سا نے پتہ نہیں لگتا اللہ فرمائے سونا تو سا پردہ رکھ دے ہو اے بے حیاء تھی اللہ کیا کہنے واہ 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 سلامت رہو سلامت رہو مالک فرمائے انہیں کو کٹھو نہ چاہ کے کٹھو واہ ولدیت جی جلے حکم تھا انہیں کو کٹھو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نکلو جی تھا سب جی ہاتھ کرا